नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईटी मनी एप्लीकेशन के बारे में। इसमें एक न्यू फीचर आया है जहाँ पे आप ईयरली 11% तक अर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए लिंक से ईटी मनी ऐप को डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट को ओपन करते हैं आप इसके होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अर्न का, जिसके आगे न्यू लिखा हुआ आएगा और लिखा रहेगा गेट अप टू 11% पर एनम, यानी आपको पर एनम 11% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप भी जानते हैं कि एफडी के अंदर 6% से लेके 7.30% तक इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप 3 मंथ्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3 ईयर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1 डे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा यहाँ पे होल्ड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट हायर रिटर्न फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 11% तक आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे टू लेके आप 3 ईयर्स तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, इसका नाम अर्न है। इसके अलावा इक्विटी में आपको रिस्क भी रहता है, इसमें आपको इतना कुछ भी रिस्क नहीं रहेगा, लोअर रिस्क है, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चलती जाएगी। मंथली इंटरेस्ट भी चाहिए अगर आपको पे आउट, जैसे आप किसी को इंटरेस्ट पैसा देते हैं और मंथली पैसा आ जाता है, तो वो भी हो सकता है। और अगर आपको जैसे मैच्योरिटी पे चाहिए, जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो गया या आपने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तब आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में पैसा चाहिए, तो आपको इसमें तब भी पैसा मिल जाएगा। विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम, कोई इसका लॉक इन पीरियड नहीं है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई के अंदर यह है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, ट्रस्टेड बाय 69+1000 कस्टमर्स ने इसको यानी ट्रस्ट किया है। इसके अलावा 2500 करोड़ अभी तक लिक्विड लोन्स में इन्वेस्ट हो चुके हैं, पावर्ड बाय लिक्विड लोन्स के अंदर यह आता है। तो चलिए हम इसमें इन्वेस्ट करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप कभी भी विड्रॉ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप लॉक इन करना चाहते हैं पीरियड को तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम के लिए लॉक करना है। तो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें लॉक इन फॉर 3 मंथ्स है, कैन जनरेट अप टू 0.6% पर एनम एक्स्ट्रा। अगर आप लॉक इन में करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.6% एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं। मिनिमम आप इसमें 3 मंथ्स के लिए कर सकते हैं, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7, 10 मंथ्स, मैक्सिमम है जो 36 मंथ्स है यानी 3 ईयर्स। तो लेकिन अभी हम फ्लेक्सिबल वाले में करेंगे। यहाँ पे स्वाइप कर दीजिए आप इसको, जैसे ही स्वाइप करेंगे तो सेविंग बैंक अकाउंट 4% तक देखते हैं, ये हमको 8% तक दे रहा है अगर हम पीरियड में लॉक नहीं करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको लॉक इन पीरियड का भी दिखा देता हूँ। एक बार स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे मैंने क्लिक किया, लॉक इन पे क्लिक किया, मान लीजिए मैं 3 मंथ के लिए लॉक कर रहा हूँ अपनी मनी को और मैंने यहाँ पे इसे स्वाइप अप कर दिया तो मेरे को यहाँ पे 8.6% मिल रहा है। तो इस तरह मैं आपको 2-3 बार चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 साल के लिए करते हैं, सबसे कम हमारा यही होता है कि 1 साल के लिए तो कर ही सकते हैं हम इन्वेस्ट, तो हमको 9.25% तक मिल रहा है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो मान लीजिए मैंने इसको अभी फ्लैक्सीबल वाले में जाके यहाँ पे स्वाइप अप किया, स्वाइप अप करते ही 8% बताया, इसके अलावा इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, अनलॉक हायर देन 8%, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको 9% तक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्वाइप करना होगा, लेकिन 1% एक्स्ट्रा अर्न अप टू रिटर्न ऑन 1 लाख रुपीज इंक्रीज और रिटर्न बाय 1000। तो यहाँ पे एक बार हम इसे स्वाइप कर देते हैं, अर्न अप टू 9% या आई डोंट वांट टू 9%, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 8% मिल जाएगा। सेलेक्ट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एस्टिमेटेड 12 मंथ का इंटरेस्ट आपको नीचे शो हो जाएगा कितना मिलेगा। जैसे आपने 25,000 इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ पे 2150 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, या 1,05,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 8,925 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आपको इसके बाद में मान लीजिए आप 25,000 इन्वेस्ट किया, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको अपनी पैन कार्ड डिटेल ऐड करनी होगी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी होगी, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा,
तो इस तरह आपको यानी यहाँ पे जो भी है अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कीजिए, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी और इन्वेस्टमेंट करना होगा जो भी है अपने बैंक से ऐड करके अमाउंट को, और आप यहाँ पे इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको वो रिटर्न जैसे भी चाहिए मंथली मिल जाएंगे या ईयरली चाहिए तो ईयरली मिल जाएंगे। तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी से ईटी मनी के अर्न में जाके आप बिल्कुल ईजिली यह रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो कौन से ऐप या गेम पर देखना चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।